दिल्ली में एमसीडी चुनाव की जंग के लिए नमो की साइबर आर्मी तैयार है और बीजेपी नेता जहां विपक्षी पार्टियों से निपटने के लिए ग्राउंड पर होंगे, वहीं नमो के साइबर योद्धा सोशल मीडिया के जरिए ना सिर्फ बीजेपी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे बल्कि आम आदमी पार्टी की खामियों को भी उजागर करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कुल 50,000 ऐसे साइबर योद्धा तैयार कर रही है जो घर ऑफिस में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन करेंगे। सोशल मीडिया की ताकत से आज हर कोई वाकिफ है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपने चुनावी अभियान में शुरुआत से ही सोशल मीडिया को मजबूत अस्त्र की तरह इस्तेमाल करती है और अब दिल्ली में भी बीजेपी ने इसकी जोरदार शुरुआत की है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी की सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। ऐसे में बीजेपी ने 50,000 ऐसे साइबर योद्धा तैयार करने की प्लानिंग की है। इस सोशल मीडिया मुहिम को नाम दिया गया है नमो साइबर योद्धा। नमो साइबर योद्धा कैंपेन का लॉन्चिंग की है। इसमें हमने एक गूगल फॉर्म सबको दिया है और उस गूगल फॉर्म के माध्यम से एक हमने मिस कॉल का नंबर दिया है 7820708200। मिस कॉल करके वो गूगल फॉर्म लेकर नमो साइबर योद्धा बन सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्किंग स्टेशन पर रह के, अपने जॉब में रह के, महिलाएं अपने घर में रहकर वो एक नमो साइबर योद्धा की तरह नमो साइबर योद्धा बनकर वो सरकार के खिलाफ जो दुष्प्रचार है, जो झूठा प्रचार है, उसको उजागर करेंगे और प्रोपेगेंडा की जो लोग बात करते हैं, जो राजनीति करते हैं, उनको हम उनके खिलाफ ये युद्ध करेंगे। अब आपको बताते हैं कि ये साइबर योद्धा आखिर कैसे काम करेंगे और इनका क्या काम होगा। 50,000 नमो साइबर योद्धा तैयार होंगे, बीजेपी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे, आप सरकार की खामियों को गिनाएंगे, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख सकेंगे। शहजाद पूनावाला करेंगे कैंपेन का नेतृत्व। 7820078200 पर मिस कॉल देकर जुड़ सकेंगे। कहीं ऐसा लग रहा है क्या, क्योंकि बीजेपी के द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता रहा है कि दिल्ली सरकार प्रचार प्रसार में विश्वास रखती है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ये कमी लग रही है कि जो नीतियां या जो स्कीम्स आप या केंद्र सरकार बना रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है? देखिए, हम पहले से ही, हमारा सोशल मीडिया सेल, आईटी सेल है, वो काम कर रहा है, बड़े अच्छे स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन सवाल होता है जब प्रोपेगेंडा, कोई जो राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा करने लगे और वो झूठ फैलाने लगे, तो ये झूठ के दुष्चक्र को, कुचक्र को तोड़ने के लिए, ये झूठ की राजनीति को तोड़ने के लिए हमें लोगों के बीच में, आज जिस तरह से डिजिटल युग आ रहा है, युग है, उसमें युवाओं को साथ लेकर, ऐसे युवा जो आज हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, वो, उन्हें पोस्ट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ उनके मन के अंदर एक संकल्प है, एक मन के अंदर इच्छा है कि ये झूठ खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये झूठ की दीवार है, इसकी बुनियाद बहुत कमजोर है और इस पर नमो साइबर योद्धा जब वार करेंगे तो झूठ की दीवार गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से एमसीडी की सत्ता चला रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की टक्कर ना सिर्फ कांग्रेस से है बल्कि आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ खड़ी है और यही वजह है कि केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी अपनी रणनीति में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। दिव्या अग्रवाल, न्यूज 24, दिल्ली।